दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण। हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है। इस नव विकसित भ्रूण में एक मस्तिष्क, एक धड़कता दिल और शरीर के हर दूसरे अंग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित सूचना के अनुसार टीम ने बिना अंडे या शुक्राणु के भ्रूण मॉडल विकसित किया। इस सिंथेटिक भ्रूण को बनाने में स्टेम सेल का इस्तेमाल किया गया है। नया मॉडल भविष्य के शोधकर्ताओं को विकास के शुरुआती चरणों को बनाने और समझने में शोध करने का नया तरीका प्रदान करेगा। यह मॉडल उस चरण में विकासशील संरचना तक पहुंच प्रदान करता है जब छोटा भ्रूण मां के गर्भ में प्रत्यारोपित होता है। यह पूरी तरह से दृश्यमान रहता है जिससे हम विकासात्मक चरण के माध्यम से भ्रूण की प्रगति को देख सकते हैं। शोध के नतीजे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कुछ भ्रूण क्यों विफल हो जाते हैं जबकि अन्य क्यों स्वस्थ गर्भधारण का कारण बनते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामों का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए सिंथेटिक मानव अंगों की मरम्मत और विकास के लिए किया जा सकता है।